तो हाँ, तो यार गाइज, हाँ जी ना, आपके लिए एक और नई धमाकेदार वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे साउंड बैरियर की तरफ से आने वाले बहुत ही पावरफुल 1500 वाट RMS मोनो एम्पलीफायर की। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको इसका पूरा रिव्यू दूंगा। और देखिए दोस्तों, वीडियो में आपको बता दूँ, आज की वीडियो में आपको ये भी बताऊँगा कि ये मोनो एम्पलीफायर हमें 4 ओम पे कितने वाट RMS देता है, और 2 ओम से हमें कितने वाट RMS देता है, और दोस्तों 1 ओम से ये हमें कितने वाट RMS देता है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इसकी सारी स्पेसिफिकेशन बताऊंगा। और दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि इस मोनो एम्पलीफायर पर आप कितने सबवूफर चला सकते हो। तो वीडियो दोस्तों आज की बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, कृपया करके वीडियो को आप पूरा देखें। और दोस्तों, जो नए लोग हैं वह प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है मेरे पास साउंड बैरियर की तरफ से आने वाले पावरफुल मोनो एम्पलीफायर का बॉक्स, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम यहाँ पर बॉक्स पे लिखी गई स्पेसिफिकेशन की। तो यहाँ पर हमें साउंड बैरियर की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है, और यहाँ पर हमारा साउंड बैरियर का एक मोनो एम्पलीफायर बना है बड़े से साइज में। और देखिए दोस्तों, वीडियो में आपको बता दूँ, इतना बड़ा साइज नहीं है इस एम्पलीफायर का दोस्तों, साइज में है कम, और दोस्तों पावर में है इसकी दम। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मोनो एम्पलीफायर है ये, और साइज में दोस्तों बहुत छोटा है, जो कि यहाँ पर बॉक्स पर काफ़ी हमें बड़ा दिखाई दे रहा है। अगर दोस्तों मैं इसके मॉडल नंबर की बात करता हूँ, तो यहाँ पर लिखा है SB1501D। जी हाँ दोस्तों, ये यहाँ पर जो 1500 दिखाया गया है, ये इसकी RMS पावर भी है। और दोस्तों यहाँ पर लिखा है क्लास डी मोनो ब्लॉक सबवूफर एम्पलीफायर। तो दोस्तों ये है इसकी बॉक्स पे लिखी गई स्पेसिफिकेशन। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से मैं आपको इसको अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ। तो इधर की तरफ से ये दोस्तों हमारा बॉक्स खुलता है, जैसे कि आप देख भी पा रहे हो दोस्तों। अपने एम्पलीफायर के ऊपर हमें यहाँ पर एक पैकिंग इस तरह की देखने के लिए मिल जाती है, इसको रखता हूँ साइड में। और दोस्तों ये है इसकी ऑनर मैनुअल वगैरह। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इसका जो बॉक्स कंटेंट है उसको बाहर निकाल लेता हूँ, फिर आपसे वीडियो में मिलता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, अभी जो बॉक्स कंटेंट है उनको यहाँ पर मैंने बाहर निकाल लिया है। अगर मैं इसकी एम्पलीफायर की पैकिंग की बात करता हूँ, तो काफ़ी अच्छी हमें पैकिंग भी देखने के लिए मिली है। तो अब बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पर बॉक्स कंटेंट की। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले माउंट करने के लिए कुछ स्क्रू देखने के लिए मिल जाते हैं। चलिए इसको रखता हूँ अभी मैं यहाँ पर साइड में। और दोस्तों इसके अंदर हमें एक सिलिका जेल भी देखने के लिए मिलती है। और दोस्तों ये है इसकी वायर और रिमोट केबल। चलिए सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए दोस्तों, ये है इसकी रिमोट की केबल, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो। अगर मैं इसकी लेंथ की बात करता हूँ, तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर मुझे लेंथ भी दिखाई दे रही है। किसी भी कार के अंदर आप इसको इजीली इंस्टॉल कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, इसको भी रखता हूँ मैं साइड में। और दोस्तों ये है इसका बेस रिमोट। जी हाँ दोस्तों, इसको आपको अपनी कार के फ्रंट में कहीं भी इंस्टॉल कर लेना है, डैशबोर्ड के आसपास, जहाँ पर दोस्तों आपको इसकी वॉल्यूम बढ़ाने में और घटाने में कोई दिक्कत ना हो। और देखिए दोस्तों, इस रिमोट के अंदर मुझे अच्छी बात देखने के लिए ये मिली है कि इस रिमोट के अंदर हमें एक LED भी देखने के लिए मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, इसको भी रखता हूँ मैं अभी यहाँ पर साइड में। और दोस्तों ये है इसकी ओनर मैनुअल, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी ने 2 एम्पलीफायर की ओनर मैनुअल इसके अंदर दिखाई गई है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा मोनो एम्पलीफायर है, उसके बारे में कनेक्शन वगैरह दिखाए गए हैं कि 1 ओम पर आपको किस तरह से इसकी वायरिंग करनी है और किस तरह से आपको इसको इंस्टॉल करना है। तो बात करते हैं दोस्तों हम इसकी स्पेसिफिकेशन की। तो दोस्तों यहाँ पर स्पेसिफिकेशन लिखा है, ये हमारा एम्पलीफायर नहीं है, हमारा एम्पलीफायर है ये SB1501D। तो दोस्तों हम इसी के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों हम इसकी RMS पावर की। तो यहाँ पर दिखाया गया है RMS पावर 1 चैनल 1500 वाट RMS हमें 1 ओम पे देखने के लिए मिलती है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपसे 2 ओम्स लोड की, तो 2 ओम्स लोड पर हमें यहाँ पर 800 वाट RMS देखने के लिए मिलती है। अगर मैं आप बात करता हूँ आपसे यहाँ पर 4 ओम्स लोड की, तो 4 ओम्स लोड पे हमें दोस्तों ये एम्पलीफायर 400 वाट RMS देता है, जो कि दोस्तों इस एम्पलीफायर को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एम्पलीफायर बनाता है। तो दोस्तों यहाँ पर किस तरह से इसको माउंट करना है ये वगैरह यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे कि आप देख भी पा रहे हो। तो चलिए दोस्तों, इसको रखता हूँ मैं अभी यहाँ पर साइड में, और बात करता हूँ दोस्तों अपने यहाँ पर मेन अपने एम्पलीफायर की। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इसको पॉलीथीन से बाहर निकाल लेता हूँ, फिर आपसे वीडियो में मिलता हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम इसके फ्रंट से। तो फ्रंट से दोस्तों ये एम्पलीफायर मुझे देखने में काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों फ्रंट से अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो साउंड बैरियर की हमें बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है, और यहाँ पर कुछ लाइनिंग वगैरह दिखाई गई है। और यहाँ पर है इसका मॉडल नंबर SB1501D, और यहाँ पर लिखा है हाई पावर मोनो ब्लॉक
क्लास डी एम्पलीफायर और 1500 वाट की यहाँ पर अभी हमें वैजिंग देखने के लिए मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, यही है इसकी फ्रंट पे लिखी गई स्पेसिफिकेशन। तो चलिए चलते हैं इसकी साइड में, साइड में हमें किस तरह की सेटिंग देखने के लिए मिलती है और किस तरह के इसके कनेक्शन वगैरह देखने के लिए मिलती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर पावर की और प्रोटेक्ट की यहाँ पर हमें इंडिकेशन देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों अगर हमारा एम्पलीफायर सही चलेगा तो यहाँ पर पावर की लाइट जलेगी, और दोस्तों प्रोटेक्शन वगैरह मोड में जाएगा तो यहाँ पर हमें प्रोटेक्शन की लाइट देखने के लिए मिल जाएगी। और दोस्तों ये है इसकी रिमोट की इनपुट, यहाँ पर हमको रिमोट की जो वायर है वो उसको यहाँ पर इनपुट करना है। और दोस्तों ये है इसकी आरसी इनपुट, जैसे कि आप डिस्प्ले में देख भी पा रहे हो। अगर दोस्तों आपको एक और एम्पलीफायर को ब्रिज करना है तो आप यहाँ से इसको ब्रिज भी कर सकते हो। अब बात करते हैं इसकी गेन वगैरह की सेटिंग की। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले गेन की नोब देखने के लिए मिल जाती है। और दोस्तों ये है इसके एलपीएफ, इसके एलपीएफ को आप 40 हर्ट्ज से 180 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी पर यहाँ पर सेट कर सकते हो। और दोस्तों ये है इसका सबसोनिक, या तो आप इसको ऑफ रख सकते हो या फिर आप इसको 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी तक सेट कर सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों इसकी फ्रिक्वेंसी दिखाई गई है, जिसको आप यहाँ पर 30 हर्ट्ज से 80 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी पर यहाँ पर सेट कर सकते हो। और दोस्तों ये है इसका बेस बूस्ट, जिसको आप 0 dB से 12 dB तक यहाँ पर रख सकते हो। तो यही है दोस्तों साइड में इसके कनेक्शन वगैरह और सारी सेटिंग वगैरह यहाँ पर दिखाई है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम इसकी दूसरी साइड। तो ये है दोस्तों इस एम्पलीफायर की दूसरी साइड। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर 12 वोल्ट के जो हमारे बैटरी से वायर आती है उसको यहाँ पर इंस्टॉल करना है। और ये इसकी रिमोट की वायर है, ये है इसका ग्राउंड। और देखिए दोस्तों वीडियो में आपको बता दूँ, अगर आपको इस एम्पलीफायर की फुल परफॉर्मेंस लेनी है तो जितनी मोटी वायर से आपको दोस्तों इसमें कनेक्शन करना है 12 वोल्ट से, इतनी ही मोटी वायर से आपको दोस्तों इसकी ग्राउंड भी करनी है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसके हम इसके सबवूफर के कनेक्शन की। तो यहाँ पर हमें सबवूफर के कनेक्शन देखने के लिए मिल जाती हैं। ये दोनों यहाँ पर माइनस हैं और ये दोनों यहाँ पर प्लस हैं। कनेक्शन किस तरह से आपको करने हैं ये मैंने आपको ओनर मैनुअल में दिखाया है। तो चलिए दोस्तों आप चलते हैं इसकी बैक साइड में। तो ये है दोस्तों इस एम्पलीफायर का बैक साइड। तो जैसे कि दोस्तों आप इसमें काफ़ी सारे होल देख पा रहे हो, इनका फ़ायदा क्या होता है चलिए दोस्तों वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों जब हमारा एम्पलीफायर हीट होता है, यहाँ से ही जो हमारी गर्म एयर है वो बाहर निकलती है और ठंडी एयर जो है वो हमारे अंदर जाती है। इसी से ही दोस्तों हमारा एम्पलीफायर का जो कूलिंग है वो होता है यहाँ पर। और दोस्तों जैसे कि मैं इसको अंदर से देख पा रहा हूँ, जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है और जो इसके अंदर मटेरियल लगाया गया है दोस्तों, वो मुझे काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अब बात करते हैं दोस्तों इस मोनो एम्पलीफायर पर हम कितने सबवूफर चला सकते हैं। तो देखिए दोस्तों अगर आपके पास सिंगल कोयल सबवूफर हैं, अगर आपके पास सिंगल कोयल सोनी के या फिर JBL के या फिर ब्लूपंक के सबवूफर हैं, तो देखिए दोस्तों 300 वाट RMS के या फिर 350 वाट RMS के आप इस एम्पलीफायर पर 4 सबवूफर चला सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इस एम्पलीफायर पर आप सिंगल कोयल 4 सबवूफर चला सकते हो, क्योंकि दोस्तों उनको मिलाने के बाद 1200-1400 वाट RMS हमारा होता है, जो कि दोस्तों ये एम्पलीफायर है हमारा 1500 वाट RMS का। और आप बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पर ड्यूल कोयल सबवूफर की। तो ड्यूल कोयल दोस्तों 2 सबवूफर आप इस पर इजीली चला सकते हो। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 12-12 D4 की, तो देखिए दोस्तों आप इस एम्पलीफायर पर 12-12 D4 के 2 सबवूफर चला सकते हो बहुत ही ज़्यादा इजीली। जब भी दोस्तों देखिए आपको इसकी गेन को हल्का रखना होगा, क्योंकि दोस्तों वो होते हैं हमारे 1000 वाट RMS के और ये एम्पलीफायर है हमारा 1500 वाट RMS का। इसी से ही आपको पता चल रहा होगा कि आपको इसकी गेन वगैरह की सेटिंग कितनी रखनी है। और देखिए दोस्तों अगर आपके पास हैवी सबवूफर है, जो कि दोस्तों 700-800 वाट RMS का एक सबवूफर है ड्यूल कोयल, तो देखिए दोस्तों वो सबवूफर भी आप इस पर 2 सबवूफर चला सकते हो। तो अब बात करते हैं दोस्तों इस मोनो एम्पलीफायर के प्राइस की। तो देखिए दोस्तों अगर मैं आपसे इस मोनो एम्पलीफायर के होलसेल मार्केट प्राइस की यहाँ पर बात करता हूँ, तो आपको 7,500 से 8,000 रुपये की रेंज में होलसेल प्राइस में ये मिल जाएगा। अगर दोस्तों मैं इसके मार्केट प्राइस की यहाँ पर बात करता हूँ, तो मार्केट प्राइस में दोस्तों आपको ये 9,500 से 10,000 रुपये की रेंज में देखने के लिए मिलेगा। और देखिए दोस्तों वीडियो में आपको बता दूँ, अगर ये एम्पलीफायर आपको मुझसे खरीदना है तो मेरी शॉप का एड्रेस और मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर दोस्तों आपको मोनो एम्पलीफायर को ऑनलाइन खरीदना है, तो कुछ अच्छे मोनो एम्पलीफायर के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहे तो उन डिस्क्रिप्शन से भी उन मोनो एम्पलीफायर को खरीद सकते हो। और देखिए दोस्तों वीडियो में आपको बता दूँ, अगर आप इस मोनो एम्पलीफायर की परफॉर्मेंस वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपको कमेंट कर देना है। नेक्स्ट वीडियो मैं दोस्तों आपको इस मोनो एम्पलीफायर की परफॉर्मेंस पे बना दूंगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी है ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों जो नए लोग हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की नॉलेज वाली वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ उस नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले, और सबसे पहले दोस्तों आप वीडियो को देख पाएँ। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।